दोस्तों मैं वापस आ चुका हूँ। बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, जिसकी वजह से एक रीज़न था, मेरा एग्ज़ाम चल रहा था और एग्ज़ाम को लेकर जो मैं प्रिपरेशन कर रहा था, जिसके कारण से जो है वीडियो नहीं मिल पा रही थी आप सभी को। फ्रेंड्स, मैं वापस आ चुका हूँ और आपको जो है अब रेगुलरली वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कम्युनिटी पोस्ट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। गाइस, आपको कम्युनिटी पोस्ट तो पता ही होगा कि यूट्यूब पर जो है कम्युनिटी पोस्ट क्या होता है और उसको कैसे हम इनेबल करते हैं। अगर आपको यह नहीं पता है कि आप कम्युनिटी पोस्ट को इनेबल कैसे करते हैं, तो मैंने इससे ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जो आप प्रीवियस में जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि कम्युनिटी पोस्ट को आप जो है अपने चैनल पे कैसे करें, अपने अपने यूट्यूब पे जो है पोस्ट कैसे करें। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें जो है शुरू से लेकर अंत तक, यानी कि बनाने से लेकर और पोस्ट करने तक, एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। काफ़ी हेल्पफुल होगी ये वीडियो आपके लिए। अगर आप फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको दूसरा वीडियो बिल्कुल नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट के रिलेटेड ए से लेकर जेड तक फुली इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको कौन कौन से ऐप की आवश्यकता पड़ती है और आपको कैसे कैसे करना पड़ता है, तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और बताता हूँ आपको एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन को। फ्रेंड्स, जाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट होगा कि फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक बड़ा टेक्निकल का सदस्यता नहीं लिया है, कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फ्रेंड्स प्लीज बेल आइकन को दबा देना और सब्सक्राइब भी कर लेना फ्रेंड्स, क्योंकि इससे आपको मैं जो वीडियो डालता रहता हूँ वो आपके पास तुरंत पहुँच जाती है, आपको देखने को तुरंत मिल जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं मॉर्निंग पे और बताता हूँ आपको कम्युनिटी पोस्ट कैसे करते हैं। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पे और चलिए मैं लेकर चलता हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, पहले आपको जो काम करना है वो बहुत ही इजी है। फ्रेंड्स, फिर आपको चलाना है प्ले स्टोर में और प्ले स्टोर में आपको जाने के बाद फ्रेंड्स आपको एक ऐप डाउनलोड कर लेना है। ऐप का नाम मैं बता देता हूँ आपको, पिक्सल लैब। फ्रेंड्स, आपको पहले भी पता होगा कि पिक्सल लैब ऐप जो है वह कितना अच्छा होता है थंबनेल क्रिएट करने के लिए या फिर बैनर क्रिएट करने के लिए। आप जो भी क्रिएट करना चाहें वो बहुत ही अच्छा सा इसमें एडिटिंग होता है। फ्रेंड्स, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो फ्रेंड्स आपके सामने ये पूरा ही इंटरफेस देखने को मिल जाती है। फ्रेंड्स, इसमें आपको जो साइज हुआ सेलेक्ट करना होता है वह स्क्वायर साइज सेलेक्ट करना है। आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, आपको इमेज साइज होता है, इमेज साइज पे आपको जाना है और स्क्वायर साइज आपको क्लिक करके इसमें ऐसा ही, उससे पहले भी आपको स्क्वायर साइज था। और फ्रेंड्स, इसके बाद से आपको आता है क्या कि आपको अपना जो है वह बैकग्राउंड सेलेक्ट करना होता है। तो फ्रेंड्स, बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको चले आना है यहाँ पे, मैं आपको साइन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है जैसे मैंने दिखा दिया है, उस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो फ्रेंड्स आपको कलर पे क्लिक करना है। कलर पे जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आपको बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मुझे ब्लैक कलर बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो मेरा ब्लैक कलर जो है वह बैकग्राउंड के रूप में सेलेक्ट हो चुका है। सेकेंड काम आता है आपको टेक्स्ट का। तो फ्रेंड्स, आपको जो लिखना होता है, आप अपने जैसे कि आपको यूट्यूब पे पोस्ट करना है, ठीक है ना, तो फ्रेंड्स आपको जो भी लिखना हो आप इस पर लिख सकते हैं। आप लिखेंगे कैसे, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे देखिए, मैं दिखा देता हूँ, ए पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे ए पे क्लिक करते हैं तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे न्यू टेक्स्ट आएगा और इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप न्यू टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो फ्रेंड्स आपके सामने में ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको जो लिखना हो फ्रेंड्स आप इस पर आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कि मुझे लिखना है क्या, मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कि बी ए डी ए बड़ा टेक्निकल, ठीक है, ओके, मैं ये लिख देता हूँ और इस पर क्लिक कर देता हूँ और ये मैंने कर दिया और इस पर कर दिया ऐसे करके, ठीक है, ठीक है। और इसमें आप चाहे तो बहुत ही बदलाव कर सकते हैं, कोई भी जैसा जैसा आप चाहें वैसे कर सकते हैं। ओके, इसका कलर भी बदल सकते हैं। तो वो कलर चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे कलर का ऑप्शन आएगा, आपको जो भी कलर अच्छा लगे वो कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे जो भी कलर अच्छा लगता है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मुझे ये अच्छा लगता है, ये वाला कहाँ गया, ये वाला था। जैसे कि मुझे इस पर वाइट अच्छा लगेगा, ठीक है ना, वाइट मैंने सेलेक्ट कर लिया। और जैसे ही वाइट इस पर सेलेक्ट कर लिया है तो इस पर ओके कर दीजिए। और उसके बाद से आपको जो है इसमें थ्री डी का ऑप्शन आएगा, ये सब बहुत सारा ऑप्शन है, और जिसके मुझे सेंड नो आउट करना है, ठीक है ना, ये कर दिया मैंने। उसके बाद से इस पर इसका भी कलर आएगा आपको चूज़ करने के लिए, आप जो चाहें वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद से फ्रेंड्स आपको जो है स्ट्रोक पे क्लिक करना है। स्ट्रोक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आपको इसमें जो रूप जो चाहें आप वह स्ट्रोक इस पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से जो है बना सकते हैं, ठीक है। आप जो भी लिखना चाहे वो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में, और लिख करके फ्रेंड्स आपको इस पर ऐसे करके कर देना है, ठीक है। जैसे आप इस पर कर देते हैं तो फ्रेंड्स उसके बाद से आपको ऑप्शन आएगा क्या, आपको जो आप अच्छा लगे ऐसे ऐसे करके रखें, चाहे ऐसे करके जैसे आप रखना चाहें वैसे रख सकते हैं, ठीक है। आप जो भी लिखना हो इस पर आप लिख करके उसके बाद से उसको सजा दीजिए,
सजा करने के बाद आप चाहे तो इस पर इमेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मुझे इमेज सेलेक्ट करना है तो फ्रॉम गैलरी चला जाता हूँ और इस पर मैं एक इमेज लेना चाहता हूँ अपना, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ कुछ एक इमेज ले लेता हूँ। ओके, जैसे कि मैंने कोई भी इमेज एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मुझे ये इमेज अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स मैं ये इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, और इसको मैं क्रॉप कर लेता हूँ, यहाँ से क्रॉप करने के बाद यहाँ पे ओके कर दिया। ठीक है, और ये देखिए इमेज सेलेक्ट हो चुका है। और आप, मैं इसमें सिंपल बताया हूँ, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। एक पोस्ट मैंने किया हुआ है, उसको मैंने बनाया हुआ था यही सब इमेज दे करके, और ऐसे करके आप जो है एक क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स कि यहाँ पे ये क्रिएट हो जाता है, उसके बाद से आपको सेव पे क्लिक करना है, यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे, जैसे कि मैंने आपको दिखा देता हूँ ये वाला जो एक सेव का बटन है यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, शेयर के ऑप्शन पे, जैसे आप शेयर के ऑप्शन पे लेंगे यहाँ पे सेव वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, दिखा देता हूँ, मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ है, तो सेव पे आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ये सेव पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल में ये पूरा अच्छे तरीके से सेव हो जाता है। ठीक है गाइस, उसके बाद से जैसे आप ये सेव कर लेते हैं, तो मैंने एक पहले से ही सेव करके रखा हुआ है और मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे बनाया हुआ है। ठीक है, मैंने किस तरीके से बनाया हुआ है, उसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगा था तो इस कारण से जो है मैंने उसको यहाँ पे बनाया नहीं। देखिए, मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे बनाया हुआ था। देखिए, यहाँ पे जाता हूँ मैं फ्रॉम गैलरी में, और गैलरी पे जैसे ही जाता हूँ तो यहाँ पे चला जाता हूँ कहाँ पे, मैं फाइल में, और जैसे ही मैं फाइल में जाएंगे आप देखिए यहाँ पे मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। ओके, तो मैं वहाँ से सेलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे बनाया हुआ था। देखिए, ये वाला मेरा है और मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लिया हूँ। सो गाइस, ये था मेरा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने बनाया हुआ था। इसमें ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया है, बस जैसे कि आपको बताया हुआ है बस ऐसा ही करना, जिससे मैंने पिक्सल दिखाया था वही पिक्सल है यहाँ पे, और सब कुछ ठीक उसी तरीके से है। आपको जो है ऐसे ही कर लेना है, ऐसे ही बना लेना है जैसे मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, और सेलेक्ट करके उसके बाद से आपको सेव कर लेना है। जैसे आप सेव कर लेते हैं तो फ्रेंड्स आपको चले जाना है कहाँ पे, YouTube पे। जैसे ही आप आएंगे YouTube पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे जैसे ही YouTube पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आपका जो है YouTube खुल जाएगा। ठीक है, आपको थ्री डॉट यहाँ पे ऑप्शन पे आपको यही दिखाई देता हूँ मैं, यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है ये YouTube खुल जाएगा। आपको योर चैनल का ऑप्शन आएगा, योर चैनल पे क्लिक कर देना है। थोड़ा सा यहाँ पे नेट बहुत ही स्लो है, तो फ्रेंड्स आपका जो है पूरा चैनल खुल जाएगा। और जैसे ही चैनल आपका खुल जाता है तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा कम्युनिटी पे ऑप्शन आएगा। ठीक है, जैसे आप कम्युनिटी पे जाएंगे तो फ्रेंड्स आपको जो है ये देखिए मैंने एक पोस्ट भी किया हुआ है। ठीक है, और आपको जब पोस्ट करना है तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आपको कुछ लिखने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो जैसे आप चाहें कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मुझे कुछ लिखना है तो मैंने लिख दिया। और यहाँ पर एक इमेज का सिलेक्शन आएगा, यहाँ कि मैं दिखा देता हूँ आपको ये वाला, ये जो ऑप्शन है ये इमेज सिलेक्शन सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, ये वाला जो है ये इमेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। और यहाँ से आप अपना इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसके यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और इमेज सेलेक्ट करने के लिए पूरा जो है ऑप्शन आ जाएगा। ओके गाइस, तो आपको इमेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद से आपको यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन आएगा, दिखा देता हूँ मैं। और जैसे कि मैंने कर दिया है, यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन आएगा, आपको पोस्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पोस्ट पर क्लिक करते हैं तो फ्रेंड्स आपका जो है पोस्ट हो जाता है कम्युनिटी में, यानी कि आपका जितने भी सब्सक्राइबर हैं या फिर आपके यूट्यूब पे, वो सभी के पास जो है आपका पोस्ट वहाँ पहुँच जाएगा। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, और ये देखिए मैंने पोस्ट किया हुआ है और आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप बराटे टेक्निकल को सपोर्ट कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।